आशा बहुदेशी कल्याण संस्था द्वारा दिव्यांग जनों के खुशियों में रंग भरने, दिव्यांग जनों को मनपसंद जीवन साथी दिलाने 301 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। कहते हैं कि जीवन साथी की जोड़ी भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है, लेकिन ये दिव्यांग जनों के लिए कल तक किसी बड़े सपने से कम नहीं था। उनके इस सपने में खुशियों का रंग भरने का काम समाज सेवी संस्था आस्था बहुउद्देशी कल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। दिव्यांग जनों को मनपसंद जीवन साथी मिले और खर्चीले शादी समारोह से राहत दिलाने के उद्देश्य से संस्था द्वारा दुर्ग के बाफना टोल प्लाजा के पास बाईपास रोड स्थित अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 301 दिव्यांग जोड़े एक दूजे के लिए परिणय सूत्र में बंधे। इसको लेकर संस्था द्वारा बाकायदा विवाह समारोह की रस्म सुबह से ही शुरू कर दी गई, जिसमें बाकायदा गाजे बाजे के साथ बारात भी निकाली गई और मंत्रोपचार के साथ सात फेरे लेने की रस्म अदा की गई। इस दौरान इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दुर्ग सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव शामिल हुए। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेदाम, रामफल शर्मा, चतुर्भुज राठी, प्रहलाद रोंगटा, रत्ना नारम देव सहित अन्य ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्य की सराहना करते हुए दिव्यांग वर वधु को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में पधारे सभी सज्जनवीर, मातृशक्ति माताएं बहने, यहाँ के कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, अधिकारीगण और प्रेस के मित्रगण, सबसे पहले मैं इस आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूर्ण कार्यक्रम में हमें यहाँ पर बुलाया। हालांकि विष्णुदेव साय जी का आगमन हो चुका है, हम आप उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर चुके हैं। जब वो हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और एक बार इस्पात मंत्री जी भी थे, तब हमारे संस्था में आ चुके हैं। मैं उनका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दूसरी बार हमें अवसर दिया है अपने स्वागत अभिनंदन का इस कार्यक्रम की योजना बढ़ाने। मैं बता दूँ कि संस्था का इतिहास बहुत लंबा है और इन दिनों में संस्था पिछले 20 वर्षों में लगातार सामाजिक काम कर रही है और अब तक 1789 संस्था के प्रमुख भाई प्रकाश बेगाम जी के द्वारा। आपको बता दें कि निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह का संस्था द्वारा पिछले 19 वर्षों से आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें विवाह समारोह की शुरुआत 11 जोड़ों से की गई थी, जो आज बढ़कर 301 जोड़े तक पहुंच गई है। इसके फलस्वरूप विवाह समारोह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के दिव्यांग जनों ने परिणय सूत्र में बंधने अपनी भूमिका निभाई। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, आज आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा यहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई बहनों की शादी का पुण्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे और बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। तो सबसे पहले तो 250 से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहन आज दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और ऐसे पुण्य कार्य करने के लिए मैं आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हम बहुत अच्छा काम करते हैं। ये संस्था लावारिस लाशों का दाह संस्कार करने से लेकर नेत्रदान, रक्तदान और मानव दान के लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसा ये संस्थान काम करता है। और आपने क्या पूछा? सर, मैं पूछा था अपनी चिंता होनी चाहिए, आज NDA की सरकार की चिंता नहीं करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं और ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। आज वो जितनी हम लोग सीट लाए हैं 240 सीट भारतीय जनता पार्टी, उतना ये लोग पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अगर उनका काउंट करें तो उतना वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो अपनी स्थिति पहले उनको मतलब आकलन करना चाहिए और अपने पार्टी को कैसे वो लोग मजबूत करें इस दिशा में सोचेंगे तो अच्छा होगा। 300 जोड़ों का विवाह हो रहा है और ये आस्था संस्था के द्वारा पिछले 19 वर्षों से यह काम सतत किया जा रहा है। हर साल दर साल यहाँ जोड़ों की संख्या बढ़ रही है। चूँकि संस्था की विश्वसनीयता है इसलिए यहाँ जसपुर से, काफ़ी दूर दूर से, छत्तीसगढ़ से, आम गाँव से, सभी जगह से जोड़े आए हैं जिनका यहाँ पे परिणय हो रहा है। देखिए ऐसा क्या होता है कि ये सुनी सुनाई बातें होती है। हमारी तरफ से गेडाम जी इसमें लगे हुए हैं और वो अपनी तरफ से जितनी तहकीकात करने के पश्चात उन जोड़ों का विवाह कराते हैं। नहीं नहीं, कुछ दिव्यांग भी हैं और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन लोग हैं। संस्थापक अध्यक्ष आस्था बहुदेशीय कल्याण संस्था, हमारी संस्था के द्वारा केवल शादी नहीं कराई जाती है, अंतिम संस्कार भी कराया जाता है, वृद्धाश्रम का संचालन किया जाता है और मेडिकल कॉलेज में शरीरदान भी कराया जाता है। आज जो आयोजन हो रहा है ये पूरा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन हो रहा है। पिछले 19 सालों से आयोजन किया जा रहा है। हर साल हम 25 जोड़ों से चालू किए थे, आज 301 जोड़ों का हमने 6 महीने पहले 301 जोड़ों का टारगेट रखा था। जो हमारे दानदाताओं ने किया था कि हम 301 जोड़ों का शादी करेंगे और उसके लिए सामान उपलब्ध कराएंगे और हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति है, जो समाज के मुख्यधारा से जुड़े नहीं है, माँ बाप सोचते कि दिव्यांग अभिशाप है, उनकी शादी नहीं होगी, हम एक मंच में लाकर परिचय कराते और परिचय करके परिचय के माध्यम से जो जोड़े बनते हैं, जो शादी नहीं करा पाते उसकी शादी कराते। 301 जोड़ों का युवा था, इसमें बहुत सारे जोड़े फार्म जमा किए थे। अब आयोजन हो रहा है, उसमें हजारों लोग का आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते शादी कार्यक्रम में, अब बहुत सारी शादी वादी होती है तो उसमें बहुत सारे लोग बिना कार्ड वाले भी आ जाते ना, तो इस टाइप का कुछ लोग आए थे। कल पंजीयन हमारा 2 दिन का पंजीयन का कारण ये था कि जोड़े फार्म जमा किए थे और उनका हमने 1 दिन 15 तारीख उनका वेरिफिकेशन किया है। वेरिफिकेशन में कुछ जोड़े नाबालिग निकले, 1-2 महीना छोड़ा था हमने, तो ऐसा किया कि 2 दिन छोड़ा उनका भी हटा दिए और कुछ जोड़े विवाहित आए थे तो उनको भी हमने हटा दिया। नहीं आए उनके आधार कार्ड में हमने चेक किया तो ऐसे नहीं दिख रहा उसमें। आधार कार्ड में हमने नंबर डाला तो उनका कोई ऐसे दिखा नहीं कि विवाहित है करके। अब वो क्या है, माहौल बनाना होगा तो ऐसे बनाते लोग माहौल, इतना बड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देसी संस्था जो है पिछले 19 वर्षों से ये दिव्यांग जो लोग हैं उनके जोड़ा यहाँ पे शादी ब्याह करवाती आ रही। करीब करीब 1875 जोड़ों का अभी तक के विवाह यहाँ पे संपन्न हो चुका है इस संस्था द्वारा। आज यहाँ पे 301 जोड़े जो हैं यहाँ मौजूद हैं, जो दूर दूर से आए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के इलाकों से यहाँ पे मौजूद आए हैं। हम लोगों ने सभी सामाजिक संस्थाएं जो हैं, समाज जो हैं, उन लोगों से मदद मांगी। कई लोगों ने हमें मदद दिया, कोई गिफ्ट में कुकर दिया, कोई बर्तन दिया, कोई इनके वरमाला दिया, कोई इनके फेटा दिया, कोई साड़ी दिया, कोई कुर्ता दिया, कोई पजामा दिया, सबका सहयोग मिला हमें और बहुत बढ़िया व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न होने जा रहा है। कोई शादीशुदा लोग नहीं है, ये लोग जो है भ्रांतियाँ उड़ा दिए कि शासन से आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये कोई सच नहीं है और किसी भी प्रकार से इस गलत फहमी में ना आए और ये विधि विधान से जो है यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है और जो सत्य है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।